अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक खालिद है और आप देख रहे हैं टेक मलिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से 49 ममालिक जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया था, कल से वो सभी लोग जो है सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। क्या इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान भी शामिल है या नहीं है, पूरी तफसीलात इसी वीडियो के अंदर आप दोस्तों को जो है बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी कर देना है ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सऊदी गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान इन ममालिक को जो है रेड लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों, अब 49 ममालिक के लिए जिन लोगों के लिए फ़्लाइटें स्टार्ट की गई हैं वो कौन कौन से ममालिक हैं, मैं आपको बताता चलूं दोस्तों। ज़्यादातर इसमें यूरोप शामिल है। जी हाँ दोस्तों, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट ने भी अब अपनी तरफ से ही ड्रामेबाजी लगा रखी है कि टूरिस्ट लोगों को सिर्फ इजाज़त दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वर्क वीज़े वाले नहीं जा सकते, सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट लोग को इजाज़त दी गई है। सयाह लोग जो हैं वो लोग जो है जा सकते हैं वहाँ पर, टूरिस्ट के हिसाब से वहाँ पर घूमने फिरने के लिए उन लोगों को इजाज़त दी गई है। लेकिन दोस्तों, लेबर को इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी गई, ना तो पाकिस्तान से, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, ना इंडिया, ना अफ़गानिस्तान। इन ममालिक से कोई भी पाकिस्तानी नहीं जा सकता और ना ही कोई भारतीय जा सकते हैं, ना ही कोई बांग्लादेश से जा सकते हैं और ना ही कोई श्रीलंकन जा सकते हैं और ना ही कोई अफ़गानिस्तान से जा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों जो सियाहत के लोग हैं, जो घूमने के लिए जाना चाहते हैं, उनको इजाज़त दी गई है। वो भी उन लोगों को इजाज़त होगी जिन लोगों ने डबल डोज वैक्सीन लगवा ली है और करोना का टेस्ट उनका ओके होगा, उसके बाद उनको जो है इंट्री दी जाएगी। तो जवाजात से जो पूछा गया था सवाल, उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तानी जिन लोगों के वीज़े होल्डर वाले हैं, क्या वो लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि 31 अगस्त तक उन लोगों को कोई भी ऐसी अपडेट नहीं दी गई। 31 अगस्त से पहले पहले अगर कोई अपडेट आएगी तो बता दिया जाएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट।